मेरा सवाल ये है, 1 तारीख को ईद मनाई जाने वाली है बकरीद, और सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके पार्टी के है, और शहर में जो है कोरोना के पेशेंट कम हो चुके हैं औरंगाबाद ज़िले में और शहर में, और कोरोना मुक्ति का आंकड़ा 4 दिन से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे मौके पर मुस्लिम समुदाय की डिमांड ये थी क्या ईद की नमाज़ जो है ईदगाह में पढ़ने के लिए परमिशन दी जाए, और दूसरी बात जानवर जो है कुर्बानी के वो मार्केट में बेचने के लिए मार्केट मुहैया किया जाए, तो इस पर कुछ निर्णय हुआ कि नहीं? ये विषय में महाराष्ट्र सरकार ने सुस्पष्ट आदेश दिए हैं, जो आदेश है सरकार के वही फॉलो होंगे, ये मीटिंग में ये विषय पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है। आगे उत्सव के बारे में कुछ, दही हंडी है, गणेश उत्सव है? नहीं, कोई उत्सव नहीं, गणेश उत्सव हो या दही हंडी हो या बकरीद हो, ये सब उत्सवों के बारे में सरकार ने जो जो सूचना दी उसका एकदम स्ट्रिक्टली अमल बजावनी होने वाली, वो करना चाहिए, ये प्रशासन का सरकार का कहना है, हमारा भी वही कहना है, इसमें कोई मुस्लिम या हिंदू करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी उत्सव रहो, गणपति रहो, दही हंडी रहो या बकरीद रहो, ये कोई भी जो सरकार ने सूचना दी प्रतीकात्मक रीत्या सिम्बॉलिक रीत्या या गणेश उत्सव 2 फीट की 4 फीट की सार्वजनिक मिरवणूक नहीं होंगी, सार्वजनिक आरती नहीं, ये सब बातें फॉलो हम करने वाले और ये करना चाहिए लोगों ने। सर इस्लाम समाज में तो लेकिन प्रतीकात्मक का तो कुछ है ही नहीं ना, प्रतीकात्मक कुर्बानी कैसे करेंगे सर? प्रतीकात्मक दर्शन कैसा हुआ, विट्ठू माउली का दर्शन कैसा हुआ, यहाँ से बैठ के करें ना वारकरियों ने, आखे महाराष्ट्र से वारकरी विट्ठल पांडुरंग के दर्शन को आते हैं, उन्होंने घर में बैठ के प्रतीकात्मक दर्शन लिए, वैसा प्रतीकात्मक कैसा करने का वो मुस्लिम समाज ने सोचना चाहिए। नहीं लेकिन सर किसान तो इतने साल 2 साल से जो जानवर बकरा जो पालते हैं उनको भी तो इनकम आप सोर्स हो जाता है सर इसमें? ठीक है, इनकम तो पूरा जी इनकम पूरी इकोनॉमी नीचे आ गई हो तो एक बकरा नहीं बेचा किसान ने तो थोड़ी उससे कुछ होने वाला। सर आज कोरोना में जो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में ज़्यादा चर्चा की आज हमने, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, जो एकदम 4 महीने पहले हम ट्रेसिंग क्वारंटाइन इसमें थे, होम क्वारंटाइन के बारे में चर्चा हुई है, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में चर्चा हुई है, जो ग्रामीण भागों में जो कोरोना का प्रिवेंटेशन उसके बारे में चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, अच्छा प्रशासन काम कर रहे हैं, अच्छा लोक प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, और हम जल्द से जल्द इस पे अपने ज़िले में अपने शहर में हम कोरोना को नियंत्रण में 100% लाने वाले हैं, लाएंगे।